लेकिन प्रगट जी पहला मसले नहीं सी जिम्मेवारी की चरणजीत सिंह चन्नी ने तुहाडे मोढे दे उत्ते पाई है कि प्रगट सिंह और अमरिंदर सिंह राजा वड़ेंगे इस नूं सॉल्व करो तुहानूं कमेटी दे मैंबर बनाए गए इहो जी गल नहीं है असीं बेसिकली क्योंकि उह साडे प्रधान हैगे आ इह साडे चीफ मिनिस्टर हैगे आ साडा है इशू इहदे च कोई दोराना बट उहनूं असीं सॉल्व कर लांगे अस्तीफा दे दिंदे ने दबाव बनाने की कोशिश करते हैं इस पैटर्न नूं कितना जायज मान रहे हर बंदे दा इक स्टाइल हुंदा आपां इहनूं ना उस पासे बहुता तोड़ीए ते बदलाव देखे जा सकदे ने जिहड़ा इह नियुक्तियां होईआं ए जे वाली जां मैं उहदे ते देखो जिन्ना च कुछ हो नहीं जांदा मैं उहदे ते कमेंट नहीं मैं क्या क्योंकि मैं गया था मैं भी था राजा बड़ंग भी था हमने बातचीत की है हम बातचीत करके इसको सुलझा और जो होर जिहड़े लीडर ने ओ इस्तीफे दे रहे हैं रजिया सुल्ताना ने इस्तीफा दिया कि सिद्धू उन्होंने कहा है कि यह जो काम ना करो तुसी ओ तां उन्होंने दब पूछ सकते हैं ओदे विच मैं नहीं पर जब जी आप कैबिनेट में थे क्या कैबिनेट में सिद्धू को लेकर चर्चा हुई है कोई सिद्धू साहब स्टेबल ही नहीं है मैं पहले दिन ही कह दिया सिद्धू साहब स्टेबल ही व्यक्ति नहीं कैप्टन साहब यही कह रहे ने कल सिमन साहब से गल करांगे ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਟੇਬਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਬਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਰਮਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੀ ਸੋਚੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਲਵੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਸੀ करतारपुर कोरीडोर ते की स्टैंड सी कैप्टन अमरिंदर सिंह दा जदों अपने कैनेडा दे डिफेंस मिनिस्टर आए उदों उन्हां दा की रवैया सीगा ये मैं सारा कुछ समझदा इन्हां गल्लां नूं मैं बहुता कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि साढ़े रिस्पैक्टेबल लीडर हैगे आ बट वो भी इदा की गल क्योंकि स्टेबिलिटी किनू कहिंदे आ जिहड़ा सूबे नाल खड़ा होवे जिहड़ा करप्ट सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा होवे उहनूं स्टेबिलिटी कहिंदे आ कि जां उहनूं कहिंदे आ कि हाँ बई हरजीत सिंह सज्जण साढ़े डिफेंस मिनिस्टर कैनेडा तो आए सी तां उहनां नाल की बिहेव कीता इक इह स्टेबिलिटी है ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਤਾ ਮੇਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਸੋਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਸਟੇਬਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਖੜਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬੀ ਹੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੋ ਸਭ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹੈਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਆ ਕੇ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ